ओके, तो अभी तक हमने सीखा था क्या आप ही काम करते हो। पहले हमने सबसे पहले सीखा था कि मैं कोई काम करता हूँ तो सीधा आई के बाद एक्शन लगाता हूँ, है ना। जैसे मैं आपको हंसाता हूँ, अब आपको हंसाने की इंग्लिश नहीं आती सर, हंसने की तो आती है लाफ, हंसाने की क्या होगी। आई एन जी तो बेटा अलग बात है, आई एन जी वगैरह की हम बात ही नहीं कर रहे अभी। आई एम लाफिंग आएगा, आई हैव लाफ्ड आएगा, या आई लाफ आएगा, वो अलग चीज़ है ना। बट हंसाने की इंग्लिश तो बताओ पहले, स्ट्रक्चर तो हम बाद में लगाएंगे। मैं कोई काम करता हूँ तो आई एक्शन होता है, इतना क्लियर है। आई एन जी वगैरह तो नहीं लगना, जैसे आपने भी आई एन जी लगा दिया, है ना। तो मैं आपको हंसाता हूँ, मैं हंसा रहा हूँ, नहीं कहा मैंने। आई एन जी तब लगता है जब मैं हंसा रहा हूँ, लेकिन जब हम कोई काम करते नहीं, करवाते हैं। क्या करते हैं? करवाते हैं। तो इसमें अलग से इंग्लिश नहीं, कुछ वर्ड्स की तो होती हैं, सबकी नहीं है, बट बाकियों में क्या करना पड़ेगा आपको, मेक लगाना पड़ेगा, मेक। राइट, यहाँ पे मेक का मतलब बनाना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है कोई काम करवाना। जैसे कि मैं हंसता हूँ, आई लाफ, लेकिन मैं आपको हंसाता हूँ, आई मेक यू, यानी मैं आपको ऐसा बनाता हूँ। एक सम ये सेंस लगा लो कि मैं आपको ऐसा तैयार करता हूँ, आपको ऐसा बनाता हूँ कि आप हंसो। आई मेक यू लाफ, कैसे बोलेंगे? आई मेक यू लाफ, योर नहीं, आई मेक यू आपको करता हूँ ना। आई मेक यू यानी मैं आपको ऐसा बनाता हूँ कि आप वो काम करो, यानी आपसे करवाता हूँ, सेंस वो चली जाती। और मैं इसे हंसाता हूँ तो आई मेक हर लाफ। फिर से बोलो। अब मेक को हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे मान लो कहीं फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं, है ना, बात करते करते एक काम का, मैं तेरे से बात नहीं करा, अपने भाई से बात करा। मेक मी टॉक टू योर ब्रदर, अपनी बहन से बात करा। मेक मी टॉक टू योर सिस्टर, हंस रही बहन का नाम आती उस वे में नहीं क्या, अपनी बहन से बात करा दे ये वो वाला नहीं कि अपनी बहन से बात करा दे नहीं, भाई से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी दूसरी बहन से बात कर रहे हैं ना तो एक बहन से बात कर रहे हैं दूसरी बहन के बारे में, अपनी बहन से बात है ना। तो मेक मी टॉक टू योर सिस्टर, कैसे बोलेंगे? मेक मी यानी मतलब मेरी कराओ उनसे बात। मेक मी टॉक टू योर सिस्टर, या फिर ये भी कह सकते हैं उनकी मुझसे बात कराओ। मेक योर सिस्टर टॉक टू मी, वो कोई भी हो सकता है ना। कई बार आप कहीं ऑफिस में गए और वहाँ पे आपको गुस्सा हो रखी हो किसी डिपार्टमेंट में जाके, मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी, अपने सीनियर से बात कराओ मेरी, कैसे बोलोगे? ये तो मैं कहती हूँ, सबसे बिठते रहते हो क्या? बोलो, मेक मी टॉक टू योर सिस्टर्स। फिर वो क्या कहते हैं, हम भी जाडू वालों से बात नहीं करते अपने सीनियर से बात कराओ, सीनियर सीनियर से मिलेंगे ना छोड़ देते हैं दया करके चलो भाई, चलो भाई बेचारे की किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए है ना क्या? हाँ, मेरी अपनी सीनियर से बात कराओ। मेक, बोलो, मेक मी टॉक टू योर सीनियर्स, मेक मी टॉक टू योर सीनियर्स। अब इसमें आई एन जी लगना है, थर्ड फॉर्म लगनी है, क्या लगना है वो तो सेंटेंस अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं बात करा रहा हूँ, आई एम मेकिंग, करा रहा हूँ तो आई एन जी आएगा फिर ना। आई एम मेकिंग यू टॉक टू माई सीनियर्स, है ना। अगर उसने कहा मैंने करवा दी, तो हमने करवा दी के लिए क्या सीखा था? हैव। हाँ, अगर मैंने करवा दी किसी की बात तो आई हैव मेड हिम टॉक टू माई सीनियर्स, आई हैव मेड हो जाएगा फिर, मेक की फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, है ना। मेक मी टॉक टू योर सीनियर्स, अपने बॉस से बात करा मेरी, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा। मेक सेंटेंस मत बनाओ अभी, सिर्फ वर्ड बोलना अभी, तो अभी हमने सेंटेंस कहाँ बनाया है? मेक मी टॉक टू योर बॉस, वैसे बोलो। अब सेंटेंस बनेगा, हाँ सर मैं आपकी बात अपने बॉस से करवा रहा हूँ। अब आया ना सेंटेंस, तो कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू टॉक टू माई बॉस। तो ऐसे मेक का यूज हम करते हैं, है ना। ओके, जैसे कि उसने कहा, क्या कहा था, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, डाकू कौन सा था? गब्बर सिंह, वेरी गुड। हाँ, तो गब्बर ने क्या कहा, बसंती को नचाया था ना उसने तो बसंती नाची नहीं थी, उसे नचाया था। हालांकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो अभी आपको आता नहीं है, क्योंकि पास्ट की बात तो पास्ट में लगती है, सेकंड फॉर्म वो हम आगे करेंगे अच्छे से। बट अभी फिर भी क्या होगा, इसमें मेक तो आएगा क्योंकि चीज़ वही है, करवाना किसी से। ही मेड बसंती डांस, क्या हो जाएगा? ही मेड बसंती डांस। हाँ, एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, अगर वो रोज नचाता है बसंती को, उसने पकड़ लिया वहीं बांध के रख लिया, रोज नाचेगी मेरे लिए हाँ, तो रोज नाचती है बसंती, लेकिन कौन नचाता है? गब्बर रोज नचाता है बसंती को, कैसे बोलेंगे? गब्बर मेक्स बसंती डांस एवरी डे। फिर से बोलो, गब्बर मेक्स बसंती डांस एवरी डे। तो हम इन कंडीशंस में मेक लगा देते हैं जब कोई काम करने की बात ना हो, करवाने की बात हो, राइट। जैसे मैं क्या करता हूँ, क्या कर रहा हूँ अभी,
आप लोगों को बुलवा रहा हूँ, आप लोग बोलते नहीं जबरदस्ती, हेलो बोलो बोले चुप बंद ऐसा था ना, फिर चुप हो गई लड़की बोल फिर चुप हो गई लड़की बोल, है ना, एक एक को मुझे बोलना पड़ता है, खोल लो मुंह मत बैठो ऐसे चुपचाप, बार बार याद दिलाता हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट, है ना, पका देता हूँ क्या क्या के, बट इट्स अ मस्ट, पकाना भी इट्स अ मस्ट, मुझे इंसिस्ट करना पड़ता है आपको, आई हैव टू इंसिस्ट यू, आई हैव टू कंपेल यू, मतलब दबाव डालना पड़ता है, आई हैव टू फोर्स यू, क्योंकि ज़रूरी है। फोर्स तो बहुत पुराना वर्ड हो गया, इससे पहले आप मत यूज़ करो, बट मैंने पुराने लोगों के हिसाब से पुराना जवान बच्चे वो कंपेल यूज़ कर लेना वो इंसिस्ट, अभी अच्छे से इनके बारे में बात करेंगे, आगे आगे अच्छे से आएंगे कि कोर्ट आ जाएंगे, टेंशन मत लो, तब इनको मैं बताऊंगा कि इनके प्रॉपर यूज़, इनका प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर एक आई विल टेल यू इन डेप्थ, ओके। हाँ तो कहाँ पर थे हम, मैं कोई काम करता हूँ तो आई एक्शन करवाता हूँ, आई मेक एक्शन, है ना, मैं नाचता हूँ तो आई डांस, आई डांस, और मैं तुम्हें नचाता हूँ तो आई मेक यू डांस, फिर से बोलो आई मेक यू डांस, है ना, गब्बर नाचता है, गब्बर नाचता है, गब्बर डांसेस, और गब्बर बसंती को नचाता है, गब्बर मेक्स बसंती डांस, यानी कि शुरू कराते हैं तो मेक्स लगा देंगे, आपको नचाता हूँ तो यू लगेगा, आई मेक यू, इसे न चाहता हूँ आई मेक हर, लड़के को आई मेक हिम, उन सबको आई मेक देम, ठीक है ना, ऐसे करके तो मेक का यूज़ करेंगे हम। अब तक हमने क्या सीखा है, पूछेंगे तो डू यू एक्शन, क्या आप खेलते हो, खेलता हूँ, yes, मैं नहीं खेलता, no, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे सेंटेंस हमने बनाए, मतलब एक फ्लो में आपने सारे सेंटेंस अच्छे से बना लिए। अब हम सिर्फ आंसर्स पे आ जाते हैं, पहले मैं कोई काम करता हूँ तो आई एक्शन, नहीं करता तो आई डोंट एक्शन, ये सीखा है ना, मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता आई डोंट गो, मैं खेलता हूँ मैं नहीं खेलता, है ना, मैं कोई काम करता हूँ तो आई के बाद हम सीधा वो वर्ब या फिर वो एक्शन लगा देते हैं, मैं पढ़ाता हूँ मैं जाता हूँ मैं खेलता हूँ मैं डांस करता हूँ मैं गाली देता हूँ, आई के पास सीधा एक्शन लग गया, नहीं करता तो डू नॉट लग जाता है, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट हो जाती है, आई डोंट मैं गाली नहीं देता, मैं नहीं खेलता, मैं डांस नहीं करता, मैं गाली नहीं देता, मैं तुमसे बातें नहीं करता, आई डोंट मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच इंग्लिश, वेरी गुड, कंबाइन कर दो, राइट, अब कैसे करना है, जैसे कि मैं गाली देता हूँ आई अब्यूज, बट आपको गाली नहीं देता मैडम, आई डोंट अब्यूज यू, है ना, सर गाली तो मैं देता हूँ आई अब्यूज, बट आपको गाली नहीं देता, आई डोंट अब्यूज, सर मैं नहाता हूँ आई टेक अ बाथ, फिर से बोलो बट रोज नहीं नहाता, बट आई डोंट टेक बाथ एवरी डे या फिर डेली, है ना, फिर से बोलो मैं नहाता हूँ सर आई टेक बाथ, बट मैं रोज नहीं नहाता, बट आई डोंट टेक बाथ एवरी डे, सर मैं डांस करता हूँ आई डांस, बट फ्री में डांस नहीं करता, बट आई डोंट डांस इन फ्री, राइट राइट आंसर नो, पहले नो इतना कॉन्फिडेंस, राइट आंसर नो, राइट आंसर नो, क्या वो अपनी जुबान पे टिका हुआ लड़का वो नो कह रहा है, बार बार सही कह रहा हो, राइट आंसर नो, अब नो, देखो यहाँ पे छोटी सी गलती है, हम क्या करते हैं ट्रांसलेशन करते हैं, बट स्पोकन में चलेगी वो, स्पोकन में ऐसे बोल देते हैं, सभी बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है ना, जब हम बोलते हैं ना फ्री में फ्री में, जब प्राइस की बात होती है ना तो में के लिए इन नहीं आता, फिर फोर आता है, क्या आता है फोर, जैसे मान लो मैंने इसको 1,00,000 में खरीदा, समझा, सोच रहा कभी सस्ता कोट पहन गए ठीक है ना, तो मैंने खरीदा हुआ है, काम हो गया, आई हैव बॉट इट इन 1,00,000 रुपीज़, नहीं इन गलत, 1,00,000 में नहीं, I have bought it for 1,00,000 rupees. कैसे बोलेंगे? I have bought it for 1,00,000 rupees. Once again. मैंने पूछा टी शर्ट कितनी खरीदी? बोले सर 50 रुपये की खरीदी मैंने. I bought it for 50 rupees. रुकना जरूर थोड़ा फोर पे, नहीं तो हो जाएगा. I bought it for 50 rupees. 450 हो सकता है ना एक फ्लो में. एक बार मैंने कार्तिक को भेजा था पोछा लेने, मैं जो कि वो एक पोछा ले गया वो दूसरे वाले इंस्टीट्यूट के लिए, तो कपड़ा सा था उसमें वाइपर वो वाला, तो ही वेंट देयर, और जाने के बाद आया, मैंने आते पूछा कितने का, हाउ मच फॉर,
बोला सर 450 रुपीस स्पीड में, 450 रुपीस, 450 रुपीस इतना महंगा सर, 450 रुपीस इतना महंगा, अरे सर 450 रुपीस, है ना। तो पंक्चुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जब तक पंक्चुएशन सही नहीं होंगी तो मीनिंग भी ख़राब कर सकते हैं चीज़ों का। जैसे कि वो है ना एक लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, अब लेट्स ईट के बाद पोज आता है, कोमा आता है, अगर आपने कोमा हटा दिया ना, लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलो दादी माँ को खाते हैं, समझ रहे हो ना। और एक वो दादी माँ को कह रहा है, कहना चाह रहा था कि लेट्स ईट ग्रैंडमा, हाँ जैसे मैं आप लोगों का हूँ, क्या नाम है, मोहित, लेट्स ईट मोहित, चलो खाते हैं मोहित, लेट्स ईट मोहित, चलो मोहित को ही खाते हैं, तो मीनिंग बदल रहा है ना। तो आपका लैंग्वेज है प्रॉपर पॉजेस, रुकना कहाँ पे, ठहरना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं, ओके okay? नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एग्जैक्टली बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक बच्चा था, बोला सर माई फादर हैज़ बिटन मी अलोट, बिटन मी, बिटन क्या होता है, बाइट की थर्ड फॉर्म, बाइट बिट बिटन, बिटन और बिटन अंतर है, बिटन होता है पीटना और बिटन होता है काट लेना दांतों से, कहाँ कहाँ काटा दिखा, उसके पापा ने काट लिया उसे काटा नहीं मतलब पीट दिया, वो ये कहना चाह रहा था, है ना। तो मीनिंग बदल गया ना, तो बाइट बिट बिटन और बीट बीट बिटन, बिटन, ओके। तो इतना फास्टली बोलो बिटन, माई फादर बिटन, है ना। तो उसने क्या किया, सीधा इतना स्पीड में बोला उस थर्ड फॉर्म को बिटन, तो अच्छा तेरे पापा काटते भी बेटा, सर काटा नहीं पीटा, फिर मैं काटा तू क्यों कह रहा है काटा तो वो डिफरेंस हो जाता है, यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली एज वेल, ओके। कहाँ रुका जाता है, कहाँ कैसे बोल रहे हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, आई एक्शन नहीं करता, आई डोंट एक्शन। तो मैं झाड़ू लगाता हूँ, पोछा नहीं लगाता, बट आई डोंट मो, फिर से बोलो आई डोंट मो, मैं गलती करता हूँ, सॉरी नहीं कहता, बट आई डोंट से सॉरी, या फिर अपनी गलती नहीं मानते भी कह सकते हैं। तो गलती मानना एडमिट मिस्टेक होता है, मैं गलती करता हूँ, आई मेक मिस्टेक, बट मैं अपनी गलती नहीं मानता, बट आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक, फिर से बोलो आई मेक मिस्टेक बट आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक, एडमिट जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं वही वाला, तो आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक, आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक, तो मैं ये काम करता हूँ बट ऐसा नहीं करता, ऐसे सेंटेंसेस को मिक्स बनाओ, है ना। मैं खेलता हूँ, आई पबजी नहीं खेलता, पर आई डोंट प्ले पबजी, आ रही बात समझ में, आर यू गेटिंग, यस सर मेरे काम नहीं चलेगा, फुल सेंटेंस बोला करो, आर यू गेटिंग, यस आई एम गेटिंग, और मैं समझ गया तो आई हैव गॉट इट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ना, फिर सीख रखे हैं, इनको हैबिट में डालो, जब भी पूछो तो बोल दो खटाक से, मैं समझ रहा हूँ सर, आई एम गेटिंग, मैं समझ गया हूँ सर, आई हैव गॉट इट, समझ गए हो, कैसे पूछेंगे, हैव आगे आ जाएगा, हैव यू गॉट इट, राइट, हैव यू समझ रहे हो, समझ रहे हो, आर यू गेटिंग, है ना। आपने बोला आई एम गेटिंग, क्वेश्चन हो जाएगा आर यू गेटिंग, है ना, समझ गया हूँ, आई हैव गॉट इट, तो हैव आगे आ जाएगा क्वेश्चन में, हैव यू गॉट इट, ओके। अब ऐसे ही हमको थर्ड पर्सन की प्रैक्टिस करनी है, थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे या फिर यस लगाते हैं, जैसे मैंने कहा वो जाती है, शी गोज, वो खेलती है, वो डांस डांस करती है, वो गाली देती है, स्मोक करती है, शी पीती भी है, शी ड्रिंक्स, फिर से बोलो, ड्रिंक्स तो बहुत तो सारे होते हैं ना, हम कुछ भी पी सकते हैं उसमें, हाँ बेटा सेंस कॉमन सेंस होती है, तो सबको कहता ड्रिंक, सुनो सुनो लेट मी एक्सप्लेन इट, देखो अगर हम टेक वगैरह लगा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली मेंशन करना पड़ेगा, टेक के साथ तो आपको, या कंज्यूम लगाना चाहोगे तो आपको फिर लिकर वाइन अल्कोहल कुछ मेंशन करना पड़ेगा, किसको क्या पीने की बात आप कर रहे हो। लेकिन एक हमारे एक सेंस होती है कॉमन सी, कि हम जब ड्रिंक की बात करते हैं कुछ चीज़ों के लिए कुछ फिक्स बन जाते हैं वर्ड, तो उनके साथ तो दूसरा आपको अलग से दारू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप किसी को कहते हो पी रखी है क्या, आप समझ गए, आपने यहाँ पे बीड़ी पीने की नहीं सोची, पानी पीने की नहीं सोची, है ना, कुछ और चीज़ नहीं सोची आपने, बट आपने सीधा कैसे पी रखी है, उसने पी रखी है, आपने किसी ने बताया आपको उसने पी रखी है, उसके पास समझ जाना, समझ गए क्या पी रखी है, है ना। तो इसलिए ड्रिंक अपने आप में ही काम कर देता है पूरा, ओके, ही ड्रिंक्स, वो पीता है। तो अगर हमने टेक लगाया फिर गलत हो गया, ही टेक्स, समझ नहीं आ रहा क्या, ही टेक्स अ बाथ, ही टेक्स लिकर, ही टेक्स वाइन, ही टेक्स क्या, है ना, टेक में तो कुछ भी आ सकता है, ओके, नहाना भी हो सकता है ही टेक्स अ बाथ, वो खाना खाना भी हो सकता है उसमें, तो पानी पीना भी हो सकता है, ही टेक्स वाटर,
ओके तो इस वाली कंडीशन में आपको वाइन कंज्यूम वगैरह के साथ आपको लगाना पड़ेगा क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो, बट ड्रिंक अपने आप में ही पूरा काम करता है। क्या आप ड्रिंक करते हो? नहीं, हम तो थर्ड पर्सन की बात कर रहे थे, है ना, कि भाई वो ड्रिंक करती है, शी ड्रिंक्स, स्मोक करती है, शी स्मोक्स, कैसे बोलेंगे? और ड्रिंक करने के बाद क्या करते हैं? गाली भी तो देती है ना, फिर पीने के बाद उनमें गाली देता ना इंसान, शी गाली अब्यूजेस, कैसे बोलेंगे? अब इसमें भी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मना करेंगे, वो ऐसा करती है पर ऐसा नहीं करती, या वो ऐसा करता है ऐसा नहीं करता, तो ही एक्शन ऐसी है, बट ही डज नॉट एक्शन, ही डज नॉट एक्शन, है ना। जैसे मैंने कहा ये जाता है, ही गोज, ये नहीं जाता, ही डजंट गो, है ना। अलग अलग सेंटेंस बनाओ, अभी जोड़ो मत, बट अभी मैं जोड़ा नहीं है, बट से सिर्फ बना रहे। वो खेलता है, ही प्लेज, वो नहीं खेलती, शी डजंट प्ले, वो गाली देता है, ही अब्यूजेस, वो गाली नहीं देती, शी डजंट अब्यूज, वो नहाता है, ही टेक्स बाथ, वो नहीं नहाती, शी डजंट टेक बाथ, है ना। डज नॉट का शो डजंट हो गया, शी डजंट, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा डजंट से बनेगा, ही डजंट गो, ही डजंट प्ले, ही डजंट टीच, ही डजंट जो भी है, काम नहीं करता। ओके अब इनको भी कंबाइन कर देंगे हम, वो नहाता है, ही टेक्स अ बाथ, बट रोज नहीं नहाता, बट ही डजंट टेक बाथ एवरी डे, फिर से बोलो, ही टेक्स अ बाथ बट ही डजंट टेक अ बाथ एवरी डे, वो गाली देता है, ही अब्यूजेस, बट मुझे गाली नहीं देता, बट ही डजंट, यही तो प्रैक्टिस है, है ना। बस इस चीज़ पे आपको बार बार फोकस करना कि कहाँ डोंट लग रहा है, बार बार इतना सेंटेंसेस बना दे कि डोंट लगना बंद हो जाए, वहाँ पे डज निकलना शुरू हो जाए ऑटोमेटिकली, एक सोच कर नहीं, एक तो सोच के दिमाग लगा के ही के साथ डज आना चाहिए, ही डज नॉट, हाँ हाँ ठीक है, वो नहीं, तुरंत निकलना चाहिए, ही डजंट, क्या तुम जाते हैं, डू यू गो, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, वो जाता है, ही गोज, तुरंत निकला नहीं मेरे मुझसे, क्या वो नहीं जाता, ही डजंट गो, वो जा रहा है, ही इज गोइंग, क्या वो जा रहा है, इज ही गोइंग, वो नहीं जा रहा सर, ही इज नॉट गोइंग, वो चला गया, ही हैज गोन, क्या वो चला गया, हैज ही गोन, उसको जाना चाहिए, ही शुड गो, क्या वो जा सकता है, क्या नहीं गो, अपने आप निकल रहे सेंटेंसेस, हिंदी बोल रहा हूँ तुरंत निकल रहे, मुझे मैंने कुछ नहीं सोचा उसके बारे में, बट दे आर कमिंग ऑटोमेटिकली, वेरी फास्ट, क्विकली, वो रैपिड एक्शन होना चाहिए आपके माइंड में। वो रैपिड एक्शन कैसे होगा? ड्रिलिंग से बार बार करो, करते जाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो तब तक ऐसे करते रहना, आपको इतना प्रैक्टिस करनी, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इंग्लिश आपके डीएनए में चली जाए। कहाँ चली जाए? डीएनए में जानी चाहिए, राइट? ओके, ये प्रैक्टिस करता है, ही प्रैक्टिसेस, बट रोज प्रैक्टिस नहीं करता, बट ही डजंट प्रैक्टिस एवरी डे, फिर से बोलो, ही डजंट प्रैक्टिस एवरी डे। ओके, वो खेलती है, शी प्लेज, एस खा गए थे, फिर से बोलो, शी प्लेज, वो पबजी नहीं खेलती, बट शी डजंट प्ले पबजी, है ना। वो खेलता है, ही प्लेज, बट फ्री फायर नहीं खेलता वो, बट ही डजंट प्ले फ्री फायर, वो फ्री फायर खेलती है, शी प्लेज फ्री फायर, बट वो क्या नहीं खेलती, कंचे नहीं खेलती, कंचे होता है मार्बल्स, बट शी डजंट प्ले मार्बल्स, है ना। वो गाली देती है, शी अब्यूजेस, बट उसको नहीं देती, शी डजंट अब्यूज हिम, वो नाचती तो है, शी डांसेस, बट फ्री में नहीं नाचती, पैसे लेके नाचती है, फ्री में नहीं सर, ऐसे नहीं नाचूंगी, पैसे दो, मेहनत नहीं लगती, बताओ, है ना। हाँ हाँ, पूरी मेहनत करती है सर, हाँ शरीर हिलता पूरा, ऐसे थोड़ी ना अपने एनर्जी वेस्ट करूँगी, वेरी गुड। तो नाचती है, शी डांसेस, बट वो फ्री में नहीं नाचती, बट शी डजंट डांस फॉर फ्री, इन आ रहा था ना, हाँ फोर लगना है, शी डजंट डांस फॉर फ्री। ये कुछ को ऐसा हो रहा है कि एक पति बता रहा था कि जी मैं और मेरी पत्नी तो मिल के काम कर लेते हैं, वो मुझे झाड़ू ला के दे देती है, मैं लगा देता हूँ, है ना, मैं खाना बना देता हूँ, वो खा लेती है, मिल के काम चल रहा है ना, वो कपड़े निकाल के फेंक देती है, मैं धो देता हूँ, आधा काम वो करती है, आधा मैं करती है ना। तो कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है, मिलते क्या बेचारों को करना पड़ता है, मजबूरी ये सीन काट देना, ये मेरी पर्सनल बातें, इस सीन को कट कर, है ना।
वो हम बाद में बातें करेंगे। नहीं खा, मुझे मुझे कुछ नहीं आता बनाना, सच बताऊँ तो चाय बना लेता हूँ कभी कभी, लेमन टी, वो भी दूध वाली में, कभी दूध कम हो जाता है चीनी कम हो जाती है, लेमन टी में चलता है अपना, मुझे इतना पता है एक कप में आधा ही कप नींबू निचोड़ना है और वो अपने हिसाब से मैं आधा निचोड़ लेता हूँ। सो आई नो जस्ट हाउ टू मेक, अमीरों वाली पी नॉर्मल चाय तो सब पी, हम अमीरों वाली चाय थे। एक तो ये फीलिंग सबसे बड़ी बात, तो वो शीशे के ग्लास में डाल के, हाँ भाई है ना, आप स्टील वाले में पियोगे, हम शीशे के में पियेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो क्या है, हम अपने आप को नहीं, हमने तो मारा ही नहीं, हम तो अपने आप को फीलिंग फीलिंग ले रहे, हमने ये नहीं कहा कि हम अमीर है ना, फीलिंग तो एटलीस्ट ले हम, तो हमने अमीरों वाली फीलिंग लेते हैं। और क्या फ़ायदा होता है भाई, देखो नींबू जा रहा है उसमें आधा तो विटामिन सी मिल रहा है हमें, है ना, तो विटामिन सी के अलावा और क्या फ़ायदा हो रहा है, दूध नहीं जा रहा, दूध वैसे दूध वाली चाय से गैस बनती है, तो फिर गैस नहीं बनती, मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता हूँ ये भी एक फ़ायदा है ना, पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है। फिर इसमें मैं हनी या फिर जैगरी गुड़ ऐड करता हूँ, जिससे कि गले वले के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, पेट के लिए अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। सो 7 से 8 फायदे उसके होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो डाउन होता है, तो इसलिए बहुत अच्छा होता है। हाँ तो स्टैमिना बढ़ाने के लिए कल से बस में मत आना, यही और क्या है, बस पकड़ के, बस पकड़ के आते हो, कल से पैदल आना है ठीक है, और अच्छी तरह थोड़ा और आगे चले जाना, यहाँ मत रुको ना, देन गो टू दैट साइड, ओके गो टू दैट प्लेस, देन क्या खाने पीने का कुछ नहीं होता, अपना खीरे खाओ और सो जाओ, नहीं तो और वजन बढ़ेगा, कुछ फैट वाली चीज़ें खाओगे तो ऐसे ही चीज़ें, देखो अगर अक्सर वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो अपना प्रोटीन वगैरह अच्छा लो ठीक है ना, लेकिन फैट वाली चीज़ें वहाँ से कट कर दो बिल्कुल, जंक फूड कट कर दो। हाँ फिर जब मन नहीं मानता तो मैं से कोई क्वेश्चन मत पूछो, अगर मन नहीं मानता तो कोई क्वेश्चन मत पूछो, मैंने सोल्यूशन बता दिया, फिर इसका मन नहीं मानता, अब मतलब फिर तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसका मन मनवाना पड़ेगा, मन में कैसे मनवाऊँ किसी का, एक महीने तक नहीं आगे चले। हाँ तो वो उसके साथ पता है क्या, वो कुछ अचीव करना चाहती है, ये सेंटेंस बन रहा है, शी वॉन्ट्स टू अचीव, फिर से बोलो, बट एफर्ट्स नहीं करना चाहती, बट शी डजंट वॉन्ट टू डू एफर्ट्स, फिर से बोलो, शी डजंट वॉन्ट टू डू एफर्ट्स, है ना, ये कुछ ऐसा है जैसे ये इंग्लिश बोलना तो चाहता है, He wants to speak English. फिर से बोलो, बट प्रैक्टिस नहीं करता, बट ही doesn't प्रैक्टिस, मैटर प्रैक्टिस नहीं करता, ही doesn't प्रैक्टिस, फिर से बोलो, वो हंसती तो है, she laughs, पर वो मुझ पर नहीं हंसती, बट she don't नहीं doesn't, बट she doesn't laugh at me, किसी पर हंसना ऐड होता है, ओन भी मत लगाना, उन तो क्या हो गया, पहले आई वो सर पे चढ़ी, सर के ऊपर हंस रही है वो है ना, कहाँ है, अच्छा ऊपर बैठे हो सर, उतर ले पढ़ाने दे लड़की है ना, तो ओन तो इस सेंस में हो जाता है, तो किसी का मजाक उड़ाने के सेंस में ऐट लगा के हम बोलते हैं, लाफ एट समवन, ओके, तो मेरे ऊपर नहीं हंसती, शी डजंट लाफ एट मी, खुद के ऊपर हंसती है, शी लाफ्स एट हरसेल्फ, अपने आप के ऊपर, है ना, ये पिक नोज तो करता है, ही पिक्स नोज, फिर से बोलो, बट उसका पिक नोज नहीं है, हां अब मैं आपके ऊपर क्या डालती है, नहीं वो एक लड़की थी क्लास में, उसको मीनिंग नहीं पता था पिक नोज होता क्या है, तो मैं इसे प्रैक्टिस करा रहा था, मैंने उससे पूछा बेटा डू यू पिक नोज, बोले यस सर आई पिक नोज ऑफ अदर्स, यस आई पिक नोज तक भी ठीक था, पूरा बड़ा सेंटेंस कर दिया, यस सर आई पिक नोज ऑफ अदर्स, तो ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं, तो अदर्स वगैरह सोच के लगाएं है ना, अपना कर लें भाई, अपना नाक में उंगली डाली ठीक है, आई पिक नोज ठीक है ना, दूसरे के में डाले ना, मैं बचा के रखूंगा खतरा है वहां से, उसको पीछे बिठाओ कटन के है ना, तो पूछेंगे क्या आप इग्नोर करते हो, डू यू, करता हूँ सर मैं, यस आई इग्नोर, बट दूसरों का नहीं करता, बट आई डोंट इग्नोर ऑफ अदर्स, है ना, तो उस लड़की वाला काम मत कर देना, हाँ सर करती हूँ दूसरों का दूसरों के नाक में उंगली डालती हूँ
ये स्मोक करता है सिगरेट, उसको बोला था कि एक ही पर बजाना है, नहीं बंद हो गया। अच्छा बच्चा गुड बॉय, नहीं कहते फिर बजा रहे हॉर्न बजाता है, ही ब्लोस हॉर्न, है ना, एवरीडे बनाता बजाता हो तो क्या बोले फिर आगे, नहीं वाला क्या बना है, हाँ कैसे बोलेंगे, वो हॉर्न बजाता है, ही ब्लोस हॉर्न मैनी टाइम्स, कैसे बोलेंगे, ही ब्लोस हॉर्न मैनी टाइम्स, एक बार नहीं बजाता, he doesn't blow once, कैसे बोलेंगे, he doesn't blow once, ये सिगरेट पीता है, he smokes cigarette, बीड़ी नहीं पीता, but he doesn't smoke बीड़ी, बीड़ी है ना, वो पीती है बीड़ी, she smokes बीड़ी, वो चाय नहीं पीती, but she doesn't, अब स्मोक मत लगा देना, कभी ट्यून के साथ चले रहो, She doesn't take a tea. She doesn't take a tea. है ना? इसलिए तो गर्मी में चाय ना छोड़े। अब लिख लो पहले। I action, but I don't action. लिख लिया? Yes. उसके नीचे लिखो I abuse. I abuse. A B U S E. U S E. But I don't abuse you. I dance, but I don't dance for free. I play, but I don't play PUBG. Written? अब लाइन खींच के अलग से लिखो. He action as yes, but he doesn't action. अब सेंटेंस ऐसे ही थर्ड पर्सन के लिए बनाओ. He plays, but he doesn't play PUBG. वो खेलता है but PUBG नहीं खेलता. Have you written? Yes, I have written. अब देखो I के अलावा we, you, they ये भी होते हैं, है ना? मैं कोई काम करता हूँ, I action हम करते हैं, we action आप करते हो, you action सभी करते हैं, तो they, वे लोग, they action, है ना, हम करते हैं सभी, तो we action. सिंपल है. ऐसे नेगेटिव भी don't का बन जाएगा इनका. ये नहीं करते, they don't action. तुम नहीं करते, you don't action. हम नहीं करते, we don't action. मैं नहीं करता, बस थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी सिंगुलर, एक जना थर्ड पर्सन, ही या फिर शी, उसमें डज और डू को लगाना होता है, डज को, है ना, या फिर एसीएस लगेगा उसमें, हमें डज का ध्यान रखना है, उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें एसीएस का ध्यान रखना है. वो नहीं करता तो ही डजंट हो जाएगा. आई डोंट, यू डोंट, वी डोंट, दे डोंट, ही डजंट, है ना. आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, वी प्ले, ही प्लेज, ठीक है. बाकी सबके साथ सेम कॉन्सेप्ट है. तो हम खेलते हैं, अब सबके साथ मिक्स में दूंगा, ध्यान रखना. हम खेलते हैं, वी प्ले, बट हम पबजी नहीं खेलते सर, बट वी डोंट प्ले पबजी. तुम गाली देते हो, यू अब्यूज, बट तुम इसे गाली नहीं देते, बट यू डोंट अब्यूज हर. ये गाली देती है, शी अब्यूजेस, शी आ गया ना, थर्ड पर्सन है, शी अब्यूजेस, बट ये आपको गाली नहीं देती, बट शी डजंट अब्यूज यू, है ना. वो कपड़े तो धोती है, she washes clothes, but मेरे नहीं धोती भाई, but she doesn't wash my clothes. प्रधानमंत्री को जानता हूँ मैं, समझी, बोल रही है, I know, prime minister, फिर से बोलो, I know, prime minister, but वो मुझे नहीं जानता, but he doesn't know me, फिर से बोलो, but he doesn't know me, फिर से बोलो, मतलब क्या बेटा, डज नॉट का कॉम्बिनेशन डजंट, डज और नॉट, नॉट पहले लगा हुआ है. ही डज नॉट नो मी को हम बोल रहे हैं ही डजंट, ओके. नो मतलब होता जानना, ही डजंट एक्शन, ही डजंट नो मी, जैसे बोलो नो मी. अक्षय कुमार का जानता हूँ, अक्षय कुमार तो भाई है, अपना गाना सुना होगा ना, अक्षय कुमार तो भाई है, कैसे बोलूँगा, आई नो अक्षय कुमार. ऐसे में शाहरुख खान को जानता हूँ, आई नो शाहरुख खान, कौन सा शाहरुख खान, लेकिन वंदी खान उसके नाई की दुकान है ना, जो बार्बर शॉप है, सैलून, राइट, उस वाले को, मुंबई वाले को नहीं जानता.
जानता हूँ मुंबई वाले को, आई नो हाँ, वो मुझे नहीं जानता, आई नो शाहरुख खान, बट वो मुझे नहीं जानता, बट ही डजंट नो मी, वो दूसरे वाला जानता है। बाल बाल कटवाने हो तो बता देना, डिस्काउंट करा दूंगा 10 रुपये कम और उससे सस्ता, ठीक है। ये ब्रश करती है, शी ब्रशेस, बट रोज नहीं करती, बट शी डजंट ब्रश एवरीडे। हम ब्रश करते हैं, वी ब्रश, बट रोज नहीं करते, बट वी डोंट ब्रश एवरीडे। हम गलतियां करते हैं सर, वी मेक मिस्टेक्स, बट हम अपनी गलती मानते नहीं हैं, बट वी डोंट एडमिट मिस्टेक्स। ये गलती करती है, शी मेक्स मिस्टेक, लेकिन दूसरों पर थोप देती है, दूसरों पर थोपना, दूसरों को ब्लेम करती है उसके लिए, है ना, शी ब्लेम्स अदर्स। सच्चाई नहीं, तू सच निकल गया, वाह, क्लैपिंग। हाँ हाँ, आपने नहीं तो ये क्या करती है, गलतियाँ करती है, फिर से बोलो, ये अलग से आप लिख लेना बाद में बॉक्स में पैक करके सुनहरे अक्षरों में। शी मेक्स मिस्टेक, बट दूसरों को ब्लेम करती है उसके लिए, बट शी ब्लेम्स अदर्स। इसके लिए मैंने आपको एक दूसरी चीज़ भी बताई थी, पास द बक, याद हो तो, है ना, जब अपनी जिम्मेदारी से दूसरे पर मर देना, अपनी गलती दूसरे पर मर देना, उसको बोलते हैं पास द बक। तो ये गलती करती है, शी मेक्स मिस्टेक, बट शी पासिस द बग टू अदर्स। ओके, पास टू समवन होता है, ओके, हैव यू गॉट इट? यस आई हैव गॉट इट। और वो समझ गई तो शी हैज गॉट इट। अभी हैज हमने सीखा नहीं, आ जाएगा, अभी भूल जाओ इसे, भूल गए? बोलो सर, भूल गया, भूल गया मैं, इंग्लिश तो बनाओ, आप तो हैव को भी भूल के साथ साथ सेंटेंस बनाओ, आई हैव फॉरगॉट, कैसे बोलेंगे, फॉरगॉट, फॉरगेट होता है बोलना, थर्ड फॉर्म फॉरगॉट होती है, फॉरगॉटन भी होती है, बट फॉरगॉटन बूढ़े लोग करेंगे यूज, ठीक है, और जवान बच्चे हमारे मेरे जैसे वो फॉरगॉट यूज करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में फॉरगॉट ज़्यादा प्रेफर की जाती है, और फॉरगॉटन पुराने लोगों के लिए, अंग्रेजों ने भी 20 साल पहले छोड़ दी, अब जो क्लास में 70-80 साल का है वो इंसान क्या करेगा, फॉरगॉटन बोल लेगा, हमारे जमाने में तो फॉरगॉटन था, मैं भूल गई हूँ सर, आई हैव फॉरगॉटन, और मैं क्या कहूँगा, मॉडर्न, आई हैव फॉरगॉट, है ना, मेरा अच्छा लगा ना, आई हैव फॉरगॉट, ये बोल गया, आई हैव फॉरगॉटन, आई हैव फॉरगॉट, वंस अगेन, गलत कोई नहीं, दोनों सही है, बट मॉडर्न का और उसका डिफरेंस है, ठीक है ना, थोड़ा सा और डिफरेंस है वो, ओके, एक है ना, जब हम कई बार वर्ब से बनाते हैं तो उसमें फिर फॉरगॉट काम नहीं आता, उसमें फिर फॉरगॉटन ही काम आता है, कहा जाता है ना ओल्ड इज गोल्ड, तो वहाँ पे फिर फॉरगॉटन यूज़ करना पड़ता है हमें, जब इज़ मार के साथ, जैसे बोलते हैं मैं भूला हुआ हूँ, या ये भूली हुई, शी इज़ फॉरगॉटन, तो शी इज़ फॉरगॉटन नहीं होता फिर, वो आगे हम स्ट्रक्चर सीख लें क्यों इसके साथ ये ऐसे आ रहे हैं, वी हैव टू सीट अहेड, ओके, अभी हम फोकस सिर्फ बेस पे कर रहे हैं, मैं कोई करता हूँ आई एक्शन, नहीं करता आई डोंट एक्शन, वो करता है ही एक्शन एस यस, बट वो नहीं करता, बट ही डजेंट एक्शन, है ना, हम करते हैं वी एक्शन, बट हम नहीं करते वी डोंट एक्शन, तुम करते हो यू एक्शन, बट तुम नहीं करते यू डोंट एक्शन, है ना, तुम नहाते हो मुझे पता है, यू टेक बाथ, बट रोज नहीं नहाते, बट यू डोंट टेक बाथ एवरी डे, फिर से बोलो, यू स्टार्टिंग से, तुम नहाते हो, यू टेक अ बाथ, बट यू डोंट टेक अ बाथ एवरी डे, राइट, मैं जानता हूँ शाहरुख खान को, आई नो शाहरुख खान, और वो भी मुझे जानता है दूसरे वाला, बट मतलब उसमें बट तो तब होता जब कुछ अलग बात हो कि वो नहीं, वो भी, पर वो नहीं जानता, ही ऑल्सो नोज मी, कैसे बोलेंगे, अगर नहीं जानता, मुंबई वाला नहीं जानता ना मुझे, हाँ उसके लिए बट लगा के बोलूँगा, आई नो शाहरुख खान, बट शाहरुख खान डजंट नो मी, हम जानते हैं शाहरुख खान को, वी नो शाहरुख खान, बट शाहरुख खान हमें नहीं जानता, बट शाहरुख खान डजंट नो अस, तुम जानते हो शाहरुख खान को, यू नो शाहरुख खान, बट वो तुम्हें नहीं जानता, बट ही डजंट नो यू, ही डजंट नो यू, कैसे बोलेंगे, यू डोंट, फिर से बोलो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो शाहरुख खान, तुम जानते हो, यू नो शाहरुख खान, वो नहीं जानता, बट ही डजंट नो यू, क्लियर है, ही डजंट नो शाहरुख खान, क्यों आ रहा है माइंड में, शाहरुख खान के लिए तो हमने ही लगा दिया ना, वो नहीं जानता आपको, या फिर मैं कहूँ शाहरुख खान नहीं जानता आपको, या तो मैं कहूँगा शाहरुख खान डजंट नो यू, या फिर बोलूँगा ही डजंट नो यू, ओके, तो ये बोलो ही डजंट नो शाहरुख खान, ओके, हैव यू गॉट इट, यस आई हैव गॉट इट, और जो स्लो प्रोसेसिंग है जिनकी, सर अभी चल रहा है समझ रही हूँ,
आई एम गेटिंग, अभी चल रहा है ना, मीटर घूम रहा है अभी। आई एम गेटिंग, फिर से बोलो, फिर से बोलो, ओके आई एम गेटिंग इट, ओके वेरी गुड, इट लगा दिया इसने, आई एम गेटिंग इट, यानी मैं जो आप करा रहे हो वो समझ रहा हूँ, आई एम गेटिंग इट। वंस अगेन, ओके तो मेरी वीडियो देखते तो यू, अब गुस्सा हो जाता हूँ, मेरी वीडियो देखते हो, शेयर नहीं करते लेकिन, बट यू डोंट शेयर माई वीडियोज, तू देखता है मेरी वीडियोज, डर गया था सेंटेंस बोलना, यू वॉच माई वीडियोज बट लाइक नहीं करता ना, बट यू डोंट लाइक माई वीडियोज, तू भी देखती है लड़की, यू वॉच माई वीडियोज, कॉमेंट नहीं करती लेकिन, बट यू डोंट कॉमेंट ऑन माई वीडियोज। हाँ सर हम देखते हैं आपकी वीडियो, इंग्लिश में बेटा, यस वी सी नहीं वॉच लगेगा, है ना, शी सॉरी शी नहीं वी, वी वॉच योर वीडियो, हम कमेंट वमेंट नहीं करते, वी डोंट कमेंट ऑन योर वीडियोस, देखते हैं हम, वी वॉच योर वीडियोस, हम शेयर वेयर नहीं करते, बट वी डोंट शेयर योर वीडियोस, हम देखते हैं, वी वॉच बट सब्सक्राइब नहीं करते, वी डोंट सब्सक्राइब टू योर चैनल, प्लीज कर दिया करो, इट्स माय हार्टेडली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना, एक एक बूंद से गढ़ा होता है, राइट, एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, क्या बोलते हैं, एवरी ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, यानी एक एक बूंद से ही सागर बनता है या गढ़ा बनता है, कुछ भी हम कहें, छोटे छोटे एफर्ट्स हैं हमारे, धीरे धीरे हम अभी 61,000 पे पहुंचे हैं, है ना, कल को भगवान ने चाहा तो हम अभी क्या पार्टी काऊ पसा नहीं आगे जोड़ लेना समझ गए ना, द विलेज इज नॉट इवन वेल सेटल्ड, और कौन आ गए, बैगर्स हैव कम, हैव लग जाएगा, कम हो गया ना, आ गए बैगर्स हैव कम, वंस अगेन फिर से बोलो, बैगर्स हैव कम, अभी रुक जाओ थोड़ा, मिलियन वगैरह पे जाने तो फिर कुछ फायदा है, तो आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट तो करो, सेंटेंस तो बनाते, हम देखते हैं हम शेयर नहीं करते, वी वॉच बट वी डोंट शेयर, जिस दिन आप ये कहोगे सर हम देखते हैं और शेयर भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, मुझे कमेंट दिखेगा, हाँ भाई आ गया कमेंट, दिव्या का भी कमेंट है, है ना, एक कमेंट में नहीं होगा, पूरा एक दो साल देखूंगा जब तक मिलियन नहीं हो जाए, तभी रेगुलर सपोर्ट से बेनिफिट है ना, ओके तो आगे चले, तो लिखना चाहो लिख सकते हो, वी के भी सेंटेंसेस, यू के सेंटेंसेस, दे के सेंटेंस, हम जाते हैं, वी गो, वी गो, हम क्लब नहीं जाते बट, हाँ क्लब जाती है, लिख लो आई गो टू क्लब, हम जाते हैं वी गो बट मैं क्लब नहीं जाता, नहीं हम नहीं जाते ना वी, बट वी डोंट गो टू क्लब, वी गो बट वी डोंट गो टू क्लब, तुम मेरी वीडियोस देखते हो, आई जी क्यों लगा रहे हो बेटा, अभी तो ना देख रहे हो, यू वॉच देखते हो, यू वॉच माई वीडियोज बट शेयर नहीं करते, बट यू डोंट शेयर माई वीडियोज, बट यू डोंट शेयर माई वीडियोज, दे वे क्या करते हैं, दे क्या करते हैं, वे बताओ क्या करते हैं, कुछ तो बताओ, सारे एक्शन में ही बताऊंगा, हाँ चलो डांस करते हैं, बोलो दे डांस, बट रोज नहीं करते, दे डोंट डांस एवरी डे, दे डांस बट दे डोंट डांस एवरी डे, कुछ भी लिख लो, दे प्ले बट दे डोंट प्ले पबजी, दे गो बट दे डोंट गो टू स्कूल, ऐसे करके दे के साथ दूसरा सेंटेंस और बना लेते हैं इस पर, फिर प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है, वो खाती है शी ईट्स या फिर शी टेक्स फूड, है ना, अब ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे फूड की ही बात कहूँ, मैंने सिर्फ कहा वो खाती है, शी ईट्स बट मोमोज नहीं खाती, बट शी डजंट ईट या फिर टेक मोमोज, है ना, वो खा तो लेती है, शी ईट्स, शी ईट्स या फिर टेक फूड लगाएंगे तो शी टेक्स फूड, बर्तन नहीं धोती, बट शी डजंट वॉश डिशेज, मैं खाता हूँ
आई टेक फूड और बर्तन भी धोता हूँ एंड आई वॉश डिशेज उस वाले उसके भी धोता हूँ आई वॉश हर डिशेज एज वेल राइट लेकिन वो खाती है शी टेक्स फूड बट बर्तन नहीं धोती बट शी डजंट वॉश धोती बट शी डजंट वॉश डिशेज राइट वो खेलता है बट क्या नहीं खेलता कंचे बट ही डजंट प्ले मार्बल्स ही डजंट प्ले वो जाता है ही गोज बट वो क्लब नहीं जाता सर बट ही डजंट गो टू क्लब फिर से बोलो है ना ये ताले तो तोड़ती है शी पिक्स लॉक चलो शी पिक्स लॉक बट चोरी नहीं करती बट शी डजंट स्टील मनी चोरी करना स्टील होता है ना स्टील वैसे वाला स्टील नहीं एक तो एस टी डबल ई एल होता है वो स्टील जो हमारा धातु होती है मेटल होता है उसे स्टील कहते हैं ये एस टी ई ए एल है ठीक है ना हाँ तो ताले तोड़ती है शी पिक्स लॉक बट चोरी नहीं करती शी डजंट स्टील मनी उसमें नहीं नहीं पैसे तो नहीं करते ना ये गहने जेवरात है ना बाकी चीज़ें उठा ले जाती है घर का सामान वामान क्या उसमें कुछ नहीं करना चलो मतलब पैसे भी चोरी करती है शी स्टील्स मनी एज वेल अब खुद ही निकल गया ना मुझसे तो पैसे भी चोरी करते हैं बोलो कुछ नहीं मिलेगा पिटाई किसे पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा मैंने बता दिया कुछ नहीं मिलेगा पिटाई के अलावा धप्पा कुछ नहीं फिर हम बताएंगे हम पीछे वाले कमरे में बांध के रोज आइस स्पाइस करेंगे हालांकि वो आइस स्पाइस नहीं होता ना बचपन से बोलते हैं आइस स्पाइस होता है आई स्पाई वो इंडियंस ने घुमा दिया वर्ड को आइस स्पाइस आइस स्पाइस आइस स्पाइस करने के आई मतलब मैं स्पाई है ना स्पाई हो तो जासूस तो उससे वो वर्ड बना हमारा आई स्पाई जासूस जो वगैरह होते हैं ना स्पाई उन बोलते हैं उनको तो मैं आई स्पाई हूँ तो वह कहते हैं आई स्पाई हम कहते आई स्पाइस ऐसा लगे से आस पास आई स्पाई तो आई स्पाइस नहीं होता आई स्पाई होता लेकिन ना जाओ लिख सकते हो ये भी धप्पा को कुछ नहीं कहते वो हमने खुद बना दिया धप्पा इज ऑलरेडी ओनली धप्पा देखो छुपम छुपाई वही गेम होता है लेकिन इसको थोड़ा सा कई जगह पे अंग्रेजों ने अलग नाम दिया है आई स्पाई क्या लिखा आपने कुछ नहीं आई स्पाई लिख लो ना आई स्पाई मतलब होता है हाइड एंड सीक सर हम पैसे ले लेते हैं पैसे लेना बोरो मनी वी बोरो मनी बट रिटर्न नहीं करते वी डोंट रिटर्न सर हम महंगे महंगे मॉल्स में जाते हैं समझे वी गो टू मॉल्स एक्सपेंसिव मॉल्स भी कह सकते हो बट सर खरीदते कुछ नहीं बट वी डोंट बाय एनीथिंग जैसे बोलो बाय की जगह परचेज भी लगा सकते थोड़ा एक्सपेंसिव वर्ड जो है मतलब महंगी चीज़ों के लिए हम परचेज लगाते हैं बट वी डोंट परचेज एनीथिंग है ना हम देखो कितनी अच्छी चेंज हो जाएगी देखेंगे वो बड़ी चीज कितनी वो भी ना वो देख इंसान देख के नहीं बताते नहीं रेट कहते टैग लगा देख लो फिर देखते ना 300 अच्छी नहीं है है ना ऐसे करती है ना तो जाती है मॉल्स में बोलो शी गोज टू मॉल्स एक्सपेंसिव मॉल्स बट खरीदती कुछ नहीं बट शी डजंट परचेज डजंट व्हाट डू बट शी डजंट परचेज एनीथिंग बट डोंट तब आएगा जब आप खुद बताओगे अपने बारे में सर मैं जाती हूँ महंगे महंगे मॉल्स में बट खरीदती कुछ नहीं बोलो आई गो टू एक्सपेंसिव मॉल्स में जाते हो आप ऐसे ऐसे में नहीं जाते I go to expensive malls. अब बोलो नहीं खरीदती बट आई डोंट बाय या फिर परचेज एनीथिंग है ना इस वाले उसमें वेरी गुड समय वेस्ट करती है शी किल्स टाइम एक लड़की थी क्लास में बोले से मैं कहता ना कि भाई उसके लिए सेंटेंस बनाता कि भाई वो ऐसा वो नहीं नहाती शी डजंट टेक बात वो हमेशा पॉजिटिव ही बनाती थी अपने लिए नहीं सर आई टेक बात आई टेक बात उसको आई टेक बात तो आ गया आई डोंट नहीं आया आज तक है ना और शी डजंट नहीं आया उसको आज तक
यहाँ पे हम कंबाइंड करा रहे हैं, तो डज नॉट, डू नॉट, आई डोंट, सब कुछ मैं कराना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस, तो सारे सेंटेंस बोलना इट्स अ मस्ट, नहीं तो है ना अब फिर यही कहते रह जाओगे हमेशा, दीपक सर टेक्स बात बट आई है ना, बोल ही पाओगे कुछ, आई के साथ क्या था, डज नॉट या डू नॉट है ना, तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको, इसलिए बोलना क्या है, तो वो समय बर्बाद करती है लड़की, शी किल्स टाइम, फिर से बोलो, बट ये नहीं करता, ही डजंट किल टाइम, ये इंग्लिश सीखना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, फिर से बोलो, बट प्रैक्टिस नहीं करता, तुम लोग भी सीखना तो चाहते हो, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तुम भी लगा रहे हो तो ऑल्सो लगा दो है ना, You also want to learn English. लेकिन आप लोग Fluenta को join नहीं करते. But you don't join Fluenta Institute. And if you want to learn English, the numbers are flashing upside. Give us a tinkle right now. अभी हमें call करें और जाने courses के बारे में full details. Right? तो आप English सीखना चाहते हो, कैसे बोलेंगे? You want to learn English. But हमें call क्यों नहीं करते? भाई नहीं करते ना तुम लोग हमें call. Call करो जल्दी. But you... नहीं, भाई छोड़ो. तुम हमें call नहीं करते. But you don't call us. Right? मी नहीं, मैं नहीं उठाता फ़ोन, कम उठाता, मैं भी उठा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, राइट, मी तो पर्टिकुलर ऐसा है कि मुझे ही फ़ोन करें, ओके, सम अदर पीपल विल पिक अप द कॉल, तो हमें, इसलिए हमारी क्योंकि पूरी टीम की बात कही जाएगी ना, कि भाई हमें फ़ोन नहीं करते, बट यू डोंट कॉल अस, हैव यू गॉट इट, यस नो, ऐसे मुझे दो चार सेंटेंस बना के दिखाओ बेटा, मैं करते हूँ, ऐसा नहीं करती, जल्दी बोलो, इतने सेंटेंस प्रैक्टिस करवाए ना, आई एम डांस, वेरी गुड, वेरी गुड, इतनी देर से हमने एम तो बोला ही नहीं था कहीं, एम आ गया सीधा, क्या आई डांस, बट बोलो ना, डर क्यों रहे हो, मैं काट थोड़ी ना रहा हूँ, ऐसा तो ना कि नहीं बोल रहे, एक मिनट रुको, ऐसा कुछ नहीं है, आई डांस बट फॉर फ्री, ओके, और आप बोलो कुछ, आप बोलो, आई गो टू मार्केट बट आई डोंट बाय एनीथिंग, डोंट बाय एनीथिंग, आई गो टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट बट आई डोंट प्रैक्टिस, है ना, आई गो टू फ्लुएंटा बट सीखती कुछ नहीं, बट आई डोंट लर्न एनीथिंग, बनाओ, अच्छा सा बता दो, इसमें जाती ही नहीं कभी, वो एंट्री नहीं देते, सर मैं मॉल में जाती हूँ, बिल्कुल सेंटेंस हम समझ गए, आगे से बन नहीं रहा था, तो मतलब यही है सर, मैं मॉल जाती हूँ, बट आई गो टू मॉल बट दे डोंट अलाउ मी टू एंटर, या फिर दे डोंट लेट मी एंटर, समझ गए, वेरी गुड, कोई और सेंटेंस, कई बार दे देते हैं फिर झाड़ू लगवाते हैं, ये भी हो सकता है ना, कई बार देते हैं, हाँ, दे लेट मी एंटर, बोलो दे लेट मी एंटर, या फिर अलाउ लगा सकते हैं, मैं अलाउ कर देते हैं एंटर करने के लिए, दे अलाउ मी टू एंटर बट, पीटते बहुत है, दे बीट मी, दे बीट मी अप, देन दे बीट मी अप, ओके, और कुछ सर, मुझे याद आ गया, मैं नहाती तो हूँ बट खुजली नहीं जाती, आई गो टू क्लब बट डांस नहीं करती है ना, ड्रिंक नहीं करती, बोलो ना, आई डोंट ड्रिंक, वेरी गुड, फिर से बोलो, आई डोंट ड्रिंक, पूरा बोलो, आई गो टू क्लब बट आई डोंट ड्रिंक, अच्छी बात, थोड़ी सी गलत हैबिट है क्लब जाने की, बट सर ड्रिंक नहीं करती, तो वहाँ कवरिंग हो गई है ना, मैं बोतल खरीद के लिए आता हूँ बट सूंघ लेता हूँ ये, लेकिन देखो बट इसमें क्या होता है, जब शुरुआत हो जाती है ना किसी चीज़ की, वो स्टार्टिंग ही नहीं करनी चाहिए,
उससे धीरे धीरे इंसान गलत रास्ते पे ट्रैक पे हाँ, चला जाता है। सर जाओ, ये नहीं, मैं ये नहीं कहती मत जाओ, जाओ, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर क्यों करता है? मतलब नहीं, मैं आई थिंक मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं भी गया हूँ क्लब में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो हो गया, मैं पवित्र नहीं रहा, मैं अपवित्र हो गया। बट हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं, है ना। तो बट ये भी नहीं कि मतलब किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाऊंगा या वो चीज़ है या ड्रिंक करने लग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन नॉट अफेक्ट मी, क्योंकि हमें ये इन चीज़ों का नशा नहीं है, हमें कुछ और नशा है। ज़िंदगी में सक्सेस का नशा है, सफलता का नशा है। तो नशा भी अलग अलग प्रकार का होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हाई, क्या मैं पी तो लेता हूँ, आई ड्रिंक बट मैं पानी पीता हूँ, बट आई ड्रिंक वाटर। हाँ, स्मोक करता हूँ मैं, आई स्मोक, हाँ बता रहा हूँ, माचिस की तिल्ली से बचपन वो कुछ सिगरेट वगैरह से नहीं, छोटे छोटे होते थे ना, वो माचिस की तिल्ली जलाई उसी को, डैडी आई एम स्मोकिंग। हाँ, तो वैसे वाला कर लेते हैं, आप वाला नहीं करते। नहीं सर, मैं नहीं करती। ओके, मुझे रनिंग करनी पड़ती है ना। तो ये लड़की पैसे ले लेती है, कैसे बोलेंगे, शी टेक्स मनी, या फिर उधार लेना हो तो बोरो, शी बोरोज मनी, बट रिटर्न नहीं करती भाई, बट शी वंस अगेन शी डजंट रिटर्न, है ना। ये नहाती तो है, शी टेक्स बात, सर्दियों में नहीं नहाती, पर बट शी डजंट टेक बात इन विंटर्स। ये फोटो तो खींचता है, he clicks photos, but मेरा नहीं खींचता, but he doesn't click my photos। ऐसे ही I don't, you don't, they don't, we don't, he doesn't, she doesn't, mix करके सबकी प्रैक्टिस करो, और इतना प्रैक्टिस करो कि इंग्लिश कहाँ चली जाए, DNA में चली जाए। आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे, एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, what they have to do, like, share and subscribe, and करो, share करो और subscribe, मैं बोलती हूँ, and if you want to learn English, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओ इसको अच्छी सलाह दो ना, और कमेंट जरूर करें, हाँ कमेंट जरूर करें, और ज्वाइन भी जरूर करना है, क्योंकि बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाते हैं सर हमारे। तारीफ तारीफ तो मेरी की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था डरा रही। लाइक करो, नहीं तो ना शेयर करो, समझ गए, धमकी सी दे दी, अब ज्वाइन करेंगे मुझे पक्का पता है, नाउ दे विल ज्वाइन, नाउ दे विल डेफिनेटली ज्वाइन, राइट। ओके, अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी, Fluenta Institute International English Language Training School आपके लिए लेकर आया है Basic to Advanced Full Spoken English Fluency and Mastery Course, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल nominal price पर। So what are you waiting for? Hurry up! जो course है वो आपको हमारी application पर मिल जाएगा, जो हमारी application है उसका link नीचे description में दिया गया है, या फिर आप Play Store पर जाकर भी Fluenta Institute लिखकर download कर सकते हो। इस course में आपको मिलेंगे 100 plus video sessions, 50 plus practice sessions, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि spoken English, IELTS, PT, TOEFL, academics और साथ साथ competitive exams के लिए भी beneficial है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा best spoken English courses के awards भी मिले हुए हैं, super achiever award, highest ever online selling course award, students choice award, Highest Course Enrollments Award, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। By God's grace, Google से लेकर Play Store तक, we are the highest rated institute. इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Fluenta Institute और करे अपने English Speaking, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। Download the app now.